शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 5/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, आज मीठे मीठे बाप दादा ने घर ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले अपने बीके बच्चों को कुछ श्री मत दी है। तो आइए सुनते हैं उनके प्रति क्या श्री मत है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है, यानी संबंधों को निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर है, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप भी यही याद दिलाते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। प्रश्न दूसरा भी है, सद्गति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये जो महिमा है यही सद्गति के लक्षण है जो तुम्हें बाप के द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत बजा है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है, ग्रहाचारी से अपनी संभाल करनी है। नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, यानी संबंध निभाने हैं, नफरत नहीं करनी है, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान सतगुरु बाबा का, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को भी सहयोगी बनाने में बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति।